पाकिस्तानियों का खून चूसने को तैयार हो के नहीं हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इमरान खान, तुझे क्लीन बोल्ड भी करने का अगर किसी को गौरव प्राप्त है तो उसका नाम कपिल देव और चेतन शर्मा है, वो भी इस हिंदुस्तान की धरती के थे। अब तुझे क्लीन बोल्ड नहीं, तेरी किल्लियों को खाड़ने के लिए देश के राजपूत समुदाय के बड़े नेता सूरजपाल सिंह अम्मू कोटा पहुंचे। इस दौरान कलाल सामुदायिक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान करणी सेना का भी गठन किया गया। इस करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू एवं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रवीन सिंह हाड़ा सिंटू को बनाया गया। करणी सेना की बागडोर अगर संभालेगा तो कौन संभालेगा? आवाज नहीं आए, आवाज नहीं आ, आवाज नहीं आ, ऊपर से आवाज नहीं आए। रविंद्र सिंह सिंटू को मैं राजस्थान की करणी सेना का अध्यक्ष मनोनीत करता हूँ। और यह मनोनीत एक घर में बैठकर नहीं हुए, ये राजस्थान की जनता ने इनको मनोनीत किया है। मित्रों, आज इस हाड़ोजी की वीर भूमि पर मैं मां भारती के उन सपूतों को नमन करने आया हूँ जिनका पिछले दिनों पुलवामा में देहांत हुआ, जिनकी शहादत हुई। मैं आज मैंने कोटा ही क्यों चुना, मैंने राजस्थान ही क्यों चुना, उसके पीछे मैंने उमेश सिंह करीरी जी से चर्चा की, मनोहर सिंह घोड़ीवारा जी से, उपदेश राणा जी से, दिनेश चौहान, सुमेर सिंह तंवर से और मेरे भाई छोटे रविंदर सिंटू जी से। मैंने कहा कि वीरों को नमन करना है तो वीरों की भूमि से वहां पर जाकर नमन करो, और ये वीरों की भूमि है कोटा, यहां पर इनको नमन करना है। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मां करनी के लाडले अभिनंदन सिंह चारण को जिस प्रकार से गैर कानून तरीके से पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है, मैं कहना चाहता हूं वो मां करनी का लाडला है, वो अभिनंदन सिंह चारण वो राजस्थान की भूमि का लाडला है, उसको तुरंत या तो रिहा करो, नहीं तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के नहीं विश्व के ही नहीं नामो निशान इस जहां से मिट जाएगा। मैं कहने जा रहा कारण जैसे अवधेश राणा बता रहे थे, उमेश सिंह करीरी बता रहे थे, आप अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करो, जो ट्रीटी आपके और हमारे बीच में युद्ध बंदियों के बारे में हुई है उनका पालन करो। अगर आप पालन नहीं करोगे, जिस दिन हम लोगों ने गलत काम शुरू कर दिए, मोदी जी ने सेना को खुली छूट दिए, अगर उस दिन जिस दिन करनी सेना ने अपने सैनिकों को खुली छूट दे दी, तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर लाहौर कराची में से तुम्हारे घर वालों को पकड़ पकड़ के ऐसा जलील करेंगे तुम भूलोगे नहीं। निहत्थे सैनिकों को मारते हो, शर्म नहीं आती? एक बस जा रही थी, बस के अंदर टक्कर मारते हो, तुमको शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो युद्ध के मैदान में आओ, आमने सामने लड़ाई करो। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है और हमारे वीर सपूतों के अंदर कितना दम है। कमाल है, कैसी हरकतें। परंतु जितनी नाराजगी पाकिस्तानियों से है उतनी ही पाकिस्तान के जो हिमायती हिंदुस्तान के अंदर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसी नालायक लोग यहाँ बैठे उनसे भी उतनी ही नाराजगी है। अरे लोग खाते हिंदुस्तान का है, ये खाते हिंदुस्तान का है और गाते अपने बाप पाकिस्तान का है। मोदी जी, आपने जम्मू कश्मीर के अंदर जिन नलायकों को जो सुरक्षा दी हुई थी वो तो हटा ली, परंतु जिन नलायकों को आपने गद्दी पर बिठा लिया उनको जेल में बिठाने का समय आ गया है। महबूबा मुफ्ती सही कहती है कि 370 की बात मत करो, 35A की बात मत करो, ये तो कश्मीर के अंदर को तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी,
तिरंगा उठाने वाले तो 135 करोड़ है, आपकी अर्थी को कोई जनाब के जनाजे को कोई कंधा देने वाला कश्मीर के अंदर नहीं मिलेगा। कौन है महबूबा? इसके खानदान का सिस्टम ही पीछे से खराब है। क्या कहना चाहता हूं? बहुत कुछ कहना चाहता हूं, परंतु इतना कहना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के हिमायतियों ने जो हिंदुस्तान के अंदर अवैध रूप से रह रहे हैं अपनी हरकतें बंद नहीं करी तो करनी सैनिकों को मैदान में आना पड़ेगा। मैं मीडिया के मित्रों का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने मनोबल सेना का बढ़ाया हुआ है और हिंदुस्तान के 135 करोड़ जवानों का बढ़ाया हुआ है, लोगों का बढ़ाया हुआ है, नागरिकों का बढ़ाया हुआ है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के बंधुओं का, कि उनके कारण आज हिंदुस्तान का एक एक नौजवान व्यक्ति भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार खड़ा है। आप तैयार हो के नहीं हो? आवाज नहीं आ रहा है? आप तैयार हो के नहीं हो? सुना है कोटा जैसलमेर बाड़मेर के पास पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान में नजदीक पड़ता है, आप बॉर्डर पे चलने को तैयार हो कि नहीं हो? अगर ऐसे बोलोगे तो पाकिस्तानियों को आवाज नहीं आएगी। आप चलने को तैयार हो कि नहीं हो? आप तैयार हो कि नहीं हो? पाकिस्तानियों का खून चूसने को तैयार हो कि नहीं हो? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इमरान खान तुझे क्लीन बोल्ड भी करने का अगर किसी को गौरव प्राप्त है तो उसका नाम कपिल देव है और चेतन शर्मा है, वो भी इस हिंदुस्तान की धरती के थे। अब तुझे क्लीन बोल्ड नहीं, तेरी किल्लियों को खाड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश की सेना को कह दिया है खुली छूट, और तीनों सेनाओं को, थल सेना को, वायु सेना को और सारी सेनाओं को कह दिया है। और मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी आप कुछ मत करो, सिर्फ करनी सेना को कह दो कि जाओ घुस जाओ, ना हमारे ऊपर कोई कानून लागू होगा ना कुछ लागू होगा, पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैसलमेर बाड़मेर से मारना शुरू करेंगे और पंजाब के बाघा बॉर्डर तक, कश्मीर के बॉर्डर तक इनको जूतों से मारते हुए ऐसा मारेंगे खून नहीं बहाएंगे, इनका खून चूसेंगे और इनका खून चूस कर ऐसा हदबरा कर देंगे कि जिंदगी में हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं रखेंगे, क्योंकि इमरान खान हिजड़ों की आवाज नहीं आई। इमरान खान हिजड़ों की, जोर से बोलो, इमरान खान हिजड़ों की। कहते अगर दोनों मुट्ठी बंद करके नारा लगाया जाए तो मजा आता है, ये नारा नहीं है, ये इमरान खान को चेतावनी है। सुना है इमरान खान हिजड़ों की और हिजड़ों की फौज। मैं तो हिंदुस्तान के हिजड़ों का सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ, मुझसे नाराज ना हो, परंतु मैं पाकिस्तान के हिजड़ों को बताना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान के मर्दों से टकराना मर्द, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति होगी। और मैं कहता हूं जो निहत्ते सैनिकों को पकड़े उनको हम हिजड़ा कहते हैं, उनको नामर्द कहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आज इस हड़ौती की वीर भूमि से, पावन भूमि से एक बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार का आज आयोजन मेरे छोटे भाई रविंदर सिंह सिंटू ने किया है, ये बहुत बड़ा कार्य है। हम लोग इनको देखकर, इस एरिया को देखकर विचलित नहीं होते। आज यहाँ शहीदों की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पर आए, आप यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आए, यहाँ पर आपको हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, राजस्थान के अंदर करनी सेना में एक ऐसा मर्द जिसका नाम रविंदर चिंटू है आपको देखे जा रहा हूँ। उमेश सिंह करीरी, उपदेश राणा, मनोहर सिंह घोड़ीवारा, दिनेश चौहान, सुमेर सिंह तंवर और अनेक साथियों से चर्चा करने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि राजस्थान में करनी सेना की बागडोर अगर संभालेगा तो कौन संभालेगा? आवाज नहीं आई, ऊपर से आवाज नहीं आई। रविंदर सिंह सिंटू को आज मैं राजस्थान की करनी सेना का अध्यक्ष मनोनीत करता हूं, और ये मनोनीत एक घर में बैठकर नहीं हुए, ये राजस्थान की जनता ने इनको मनोनीत किया है कि नहीं किया है। ये हड़ौती के वीर
नौजवानों ने किया है कि नहीं किया है? संगठन घर बैठ के नहीं चलते, संगठन एक व्यक्ति से नहीं चलता, व्यक्तियों से चलता है। और एक करनी सेना एक जाति की नहीं, एक समाज की नहीं। उमेश सिंह करनी बता रहे थे, उपदेश राणा बता रहे थे, ये हिंदुत्व की आवाज करनी सेना है। अब ये रुकने वाली नहीं है। पाकिस्तान का इलाज आप नहीं पूरे हिंदुस्तान के करनी सैनिक करेंगे। मोदी जी आदेश दें, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस दिन आप आदेश करोगे ये करनी सेना बाड़मेर पाकिस्तान के बॉर्डर से घुसेगी और पंजाब के बॉर्डर बाघा बॉर्डर पे निकलेगी। मैंने पहले भी कहा है, इतना मारेगी जो पाकिस्तान के, जो हिंदुस्तान से परेशान लोग हैं उनको वही निपटाएगी, और जो पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान में आ रहे आना चाहते हैं उनको बाघा बॉर्डर के माध्यम से हिंदुस्तान में वापस ले आएगी। पाकिस्तान के अंदर हजारों लाखों लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान से गए हुए हैं, जो हिंदुस्तान को आज भी प्यार करते हैं, परंतु कुछ नालायक लोग हिंदुस्तान में भी रहते हैं जो मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, परंतु नमाज के नाम से जिस प्रकार से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं करनी सेना उनका भी इलाज करने का प्रबंध कर रही है। इलाज होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा है, हम लोग कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं, हम लोग बच्चों के ऊपर झूठे मुकदमे नहीं बनवाएंगे। हम लोग अगर करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, परंतु मेरे दिन में कई दिन से मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मेरे पेट में कुछ वो मन रहा है, मेरा दिल मचला रहा है कि पाकिस्तान की एम्बेसी दिल्ली के अंदर है, क्यों ना करनी सेना उस पाकिस्तान की एम्बेसी को घेरे। आप तैयार हो क्या? मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ जल्दी से एम्बेसी हिंदुस्तान में खाली कर दे, नहीं तो करनी सैनिक आ जाएंगे। वो शोले फिल्म का डायलॉग सुना है, बच्चों सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इमरान खान, मैं आपको कहना चाहता हूँ एम्बेसी खाली करो, हिंदुस्तान खाली करो, और नहीं तो करनी सैनिक क्या करेगा, आ जाएगा। एम्बेसी खाली करो नहीं तो। शर्मा क्यों डर रहे हो क्या? या तो पाकिस्तान एम्बेसी खाली करो नहीं तो करनी सैनिक आ जाएगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं परंतु क्योंकि आज शहीदों को नमन करने का समय है, आज मैं आपके बीच में आया हूं। राजस्थान के साथ मेरा बहुत लगाव है, मेरे जीवन की मैंने जो दूसरी पारी प्रारंभ की वो इस राजस्थान की वीरों की भूमि से प्रारंभ की, और आज मैं करनी सेना का शुभ कार्य आज कोटा की भूमि से करने जा रहा हूं। आप लोगों ने मुझे चुना, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया। मैं एक वादा करना चाहता हूं, क्षत्रियों का और हिंदुत्व का एक दूसरे से नाता है। हिंदुत्व का मतलब क्षत्रिय है, एक विचारधारा है, हम लोग एक विचारधारा को लेकर चले हैं। आप लोग, हम लोग करनी सैनिक लोग हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का सर अब झुकने नहीं देंगे। मैं दूसरा कहना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती का जिस प्रकार का जो व्यवहार है, जो भाषा है, वो भाषा पढ़े लिखे लोगों की नहीं हो सकती। वो लेडी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एयर सर्जिकल स्ट्राइक को भी गलत बताया। अरे मैं कहता हूँ उन लोगों का, अरे स्ट्राइक इनके घर में घुस के करेंगे हम लोग? कौन है महबूबा मुफ्ती? इसको शर्म नहीं आती? ये देश के संविधान के तहत शपथ लेती है वहाँ पर। जब मुख्यमंत्री किसने शपथ ली तब इसको तहजीब नहीं है कि किस प्रकार से तिरंगा के लिए अपमान करेगी? कि तिरंगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान? अगर आज तिरंगा के अपमान के लिए अगर मैं महबूबा के लिए इतना कहूँगा कि महबूबा जी होश संभाल कर बात करें, ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की जनता आपको पकड़ कर आपका इलाज करे। कि नई बनाई गई करनी सेना का उद्देश्य कहीं ना कहीं समाज के उन लोगों को एकत्रित करना है जो बाकी समुदायों के द्वारा ठुकराए जा चुके हैं। इसमें कंप्लीट हिंदुत्व का एजेंडा एक बार फिर से सामने लाया जाएगा। इस दौरान सूरजपाल अम्मू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार करके जो कायराना हरकत की है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर भी सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रही हैं, क्योंकि जब इंडिया में कोई वारदात होती
करती है तो वो पाकिस्तान का सपोर्ट करती है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भारत के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ी हमको अपनी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। हमको अपनी दुनिया